हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मुंबई की एक स्पेशल फोर्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि यह स्पेशल फोर्स मुंबई में किस तरह से काम करती है और इसका काम क्या होता है और इन स्पेशल फोर्सेस में जो जवान रिक्रूट किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है और इनका उद्देश्य क्या रहता है। तो फ्रेंड, उस स्पेशल फोर्स का नाम है फोर्स वन, जो कि मुंबई की एक स्पेशल टेररिज्म यूनिट है जो कि मुंबई पुलिस के अंडर में काम करती है और मुंबई का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसे प्रोटेक्शन और गार्ड देने का काम करती है। फ्रेंड, ये जो मुंबई का मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और मुंबई में इसे प्रोटेक्शन देने का काम स्पेशल फोर्स फोर्स वन का काम होता है। फ्रेंड, फोर्स वन डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में काम करती हैं और फोर्स वन को 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद दोबारा यह अटैक मुंबई में न हो इस प्रकार के रिस्पांस को रोकने के लिए फोर्स वन को बनाया गया था। चलिए अब जानते हैं कि फोर्स वन के टास्क क्या होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं। फ्रेंड, जो फोर्स वन का जो इनिशियल काम होता है वह होता है मुंबई में किसी भी प्रकार के टेररिस्ट अटैक को रोकना, इसके अलावा महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, उसको प्रोटेक्शन देना और काउंटर टेररिज्म को रोकना, स्पेशल वेपन्स का ऑपरेशन करना और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोटेक्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करना और जो इम्पोर्टेंट पर्सन है और जो पॉलिटिशियन है उनको प्रोटेक्शन देना और स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन देना और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्शन देना, मुंबई में स्पेशल फोर्स फोर्स वन का काम होता है। यदि बात करें कि आप फोर्स वन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो फ्रेंड, फोर्स वन को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि फोर्स वन को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस में एक कांस्टेबल या ऑफिसर लेवल पर रिक्रूट होने पड़ेगा। इसके बाद इसमें सिलेक्शन के लिए 4-5% ही एप्लीकेशन सक्सीड किए जाते हैं और जो कांस्टेबल लेवल पर जो इसमें एंट्री एज होती है वो 28 ईयर्स होती है और ऑफिसर लेवल पर इसमें जो एंट्री एज होती है वो 35 ईयर होती है। यदि इनके ट्रेनिंग की बात करें फ्रेंड, तो जो स्पेशल फोर्स फोर्स वन के जो कमांडो रहते हैं वो महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी, द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक सोफिस्टिकेटेड आर्म्स और एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग ली जाती है। इसके अलावा इसमें इन स्पेशल फोर्सेज को रैपिड एक्शन, रैपिड शूटिंग स्किल और इवैक्यूएशन प्रोसीजर और होस्टेज कंडीशन को कैसे टैकल करना है, इन सब की ट्रेनिंग भी दी जाती है। फ्रेंड, जिस प्रकार से NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमारे इंडिया में सब जगह से एक स्पेशल फोर्स के रूप में काम करती है, ठीक उसी प्रकार से फोर्स वन भी महाराष्ट्र के सभी स्थानों पे स्पेशली मुंबई में एक NSG के रूप में काम करती हैं और मुंबई में जिस प्रकार 2008 में मुंबई अटैक हुआ था उस प्रकार से कोई दोबारा अटैक अब ना हो इस अटैक को रोकने के लिए फोर्स वन को बनाया गया है। यदि इसके हिस्ट्री पे बात करें कि इसे क्यों बनाया गया, तो फ्रेंड जैसे आप जानते हैं कि 2008 में मुंबई अटैक जब हुआ था तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यह डिसाइड किया था कि इस प्रकार से ऐसा अटैक अब भविष्य में ना हो, इस प्रकार के अटैक को रोकने के लिए और स्पेशलाइज्ड जो टेररिस्ट अटैक रहते हैं उनको टैकल करने के लिए 24 नवंबर 2009 को फोर्स वन को SRPF के नाम से बनाया गया था। SRPF का फुल फॉर्म होता है स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्सेस। फोर्स वन के जो कमांडो रहते हैं वो स्पेशल फोर्स इजराइल के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं और इसके बाद इनको सबसे पहले SRPF में शामिल किया जाता है और इजरायली स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इन्हें फोर्स वन में शामिल कर दिया जाता है। फ्रेंड, जो फोर्स वन का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, जो कि 96 एकड़ यानी 3,90,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और फोर्स वन का जो पहला बैच जो कमांडो बन के आया था उसमें 216 इलाइट कमांडोज थे। फ्रेंड, फोर्स वन का काम जो मोजाम्बिक पुलिस है उसको ट्रेनिंग देने का भी होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की जो क्विक रिएक्शन टीम है और महाराष्ट्र पुलिस है, इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी एक अच्छे लेवल पर फोर्स वन का होता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को भी ट्रेनिंग देने का काम भी फोर्स वन ही करती है। इस प्रकार से फ्रेंड, फोर्स वन मुंबई की एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट है कि मुंबई में किसी भी प्रकार की अटैक को रोकने के लिए बनाई गई है और इसका काम होता है कि मुंबई की विधानसभा और जो हाई लेवल के पॉलिटिशियन हैं और जो हमारा मुंबई का मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसको प्रोटेक्शन देने का होता है।